वेलकम जी, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो जी, आज हम बनाएंगे बीफ कैसेडी विद एवोकाडो सॉस। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। जी स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरे पास है हाफ अ पाउंड ऑफ बीफ मेंस, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे 2 टेबल स्पून, और ये सब इसमें डालेंगे, सौते करते हैं थोड़ा सा। जी ये देखें कीमा हो रहा है, जब तक इसमें स्पाइसेस डाल देते हैं। हाफ अ टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट डालेंगे, हाफ अ टेबल स्पून ऑरिगैनो अपने हिसाब से, ज़्यादा पसंद है ज़्यादा लेना। हाफ अ टेबल स्पून ऑफ लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा डालेंगे अनियन पाउडर, हाफ अ टेबल स्पून भर के कुटी हुई मिर्चे। चल हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, बस हमें इसमें यही स्पाइसेस मिलाने हैं, और स्पाइसेस नहीं मिलाएंगे अच्छी तरह, क्योंकि फिर मैंने पानी छोड़ा। अच्छी तरह इसको भून लेते हैं, सारा पानी जो है वो ड्राई हो जाए। जी ये देखिए ये हो रहा है, ऑलमोस्ट पानी ड्राई होने वाला है। मेरे पास है थोड़ा सा टमाटो पेस्ट, और ये डाल देंगे, मिक्स करते हैं। जब कीमे का सारा पानी ड्राई हो जाए, उसके बाद हमें डालनी है ग्रीन कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च थोड़ी सी, सौते कर लेंगे इसमें थोड़ा सा, 2 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर चूल्हा बंद कर देंगे। ज़्यादा नहीं पकाएंगे, थोड़ी कच्ची कच्ची रहे, बिल्कुल पकानी नहीं है हमें कैप्सिकम, थोड़ी सी कच्ची कच्ची रहने देंगे। 2 मिनट बना के मैं जो है चूल्हा वो बंद कर दूँगी। जी ये देखिए, तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया, मैं इसमें थोड़ी सी मिला दूँगी काली मिर्च चुटकी भर। देखिए हम बनाते हैं एवोकाडो सॉस, उसके लिए मुझे चाहिए पार्सले, पार्सले डाल देंगे ब्लेंडर में, हरा धनिया और एवोकाडो, एक एवोकाडो लूँगी, सारा डाल दिया। उसके बाद में लूँगी इसमें 1 टेबल स्पून, हाफ अ टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट, थोड़ी सी काली मिर्च ले लेंगे, दैट्स इट, लेमन जूस 1 टेबल स्पून ऑफ लेमन जूस, और थोड़ा सा पानी, वाटर थोड़ा सा वाटर। चलें ब्लेंड करते हैं इसे, इतनी है सारी चीज़ें, अब मैं इसे ब्लेंड करती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये देखें रेडी हो गई है, इसको निकाल लेते हैं इसे। ये देखें मेरे पास टोर्टिला ड्राई रोटी, अब इसको तवे पे जो है हम थोड़ा सा सेकेंगे, फिर उसमें लगाएंगे। चलो जी ये देखें, तो थोड़ा सा ऑयल फ्रीज कर लेते हैं फ्राई पैन में अपने, थोड़ा सा रोटी रख देंगे। ये देखें हो जाए स्लो आज, ये देखें मेरे पास चीज़ है मोज़रेला चीज़, मैं थोड़ी सी इसमें क्रीज करूँगी। मैं आपको 2 तरीके से बनाना दिखाऊंगी, किस तरीके से बनता है जैसे मैं दिखा रही हूँ, और एक दूसरे तरीके से ही बनता है फोल्ड करके, वो भी दिखाऊंगी आपको। बिल्कुल स्लो आज है, मैंने जो है अपना जो स्टर रखा है चूल्हा, अब इसमें कीमा डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा। ये देखें ऐसे ये रोटी पे, उसके बाद ही मेरे पास यहाँ पे है टमाटर और प्याज, मैं ये डालूँगी थोड़ी सी ऊपर इसमें, और थोड़ी सी और चीज़ ऐड करूँगी, और चीज़ आयरा कीप क्वाइट, और चीज़ जो है ऐसे करके
एक बार ऐसे रोटी ली और इसके ऊपर ऐसे कर दी, इसको थोड़ा सा दबाएंगे ऐसे करके ताकि चीज़ जो है इस पर सारी चीज़ें चिपक जाए ब्रेड पे। थोड़ा सा उसको दो मिनट उस साइड से पकाएंगे, थोड़ा सा ये वाला सा रोटी इसमें क्रीज करेंगे तेल। बड़ी आपको देख के बड़ा चमचा लेना है या ऐसे, मुझे लगता है मैं इससे कर दूंगी तो आराम से आपने इसे करके इसको फोल्ड कर दें। वेट करें, ये दो मिनट मैंने उसको ऐसे पका लिया था। आपने थोड़ा सा ऐसे रोटी पर करके देखनी है कि चीज़ मेल्ट हुई या नहीं, थोड़ी सी कसर है, थोड़ा सा और पकाएंगे। अगर आपको लगे इस साइड से, कल आपने देखा अगर इस साइड पर कलर आ गया अच्छा सा, तो आप एक और दफ़ा मैं फोल्ड कर दूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया, चीज़ में मेल्ट हो गई होगी। अब मैं इसको निकाल दूँगी प्लेट में ऐसे। अब मैं आपको दूसरा वाला बना के दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें आप बिल्कुल स्लो करके वैसे ही जैसे हमने पहला वाला बनाया था। अब जो हम एक साइड पे बनाएंगे इसको फोल्ड करेंगे, थोड़ी सी चीज़ आपने यहाँ डालनी है हाफ पे, थोड़ी सी वही जो है कीमा जैसे उस पर किया था साथ में, ये कीमा थोड़ा थोड़ा। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, कट करके वो भी खाना है, ये भी कट करके खाना है। बस जस्ट टू टाइप बनता था तो मैंने आपको टू टाइप तरीके से दिखा दिया। वैसे ही जो है हम ये डालेंगे इसमें टमाटोज एंड ऑनियंस। थोड़ी सी जो चटनी बनाई थी हमने एवोकाडो की, वो भी थोड़ी सी ऐड कर लेंगे, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं। एंड अगेन चीज़, ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डालें, कम पसंद है कम डालें। मैंने मोज़रेला चीज़ ली थी, है ज़्यादा चीज़ भी ले सकते हैं, और किसी स्पून की मदद से आपने ये चीज़ इसको ऐसे करके ये देखें ऐसे दबा दें अच्छी तरह ताकि जो चीज़ मेल्ट हो उसमें ये रोटी चिपक जाए उसके साथ। थोड़ा ऑयल ग्रीस करेंगे इस पर, चेक करें आप चीज़। लुक एट दिस, व्हाट अ कलर। ये देखें इस तरीके से हो गया, इसको निकाल लेंगे। ये देखें तो रेडी है, इट्स रेडी टू ईट। इसको मैंने थोड़ा सा स्लाइस में कर लिया, एक जो है थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई किया मैंने। ये देखें ये ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े की होती है। एवोकाडो का सॉस उसके साथ ज़रूर खाइएगा, बहुत मज़े का लगेगा। चलें जी, इजाज़त लेते हैं अब आपसे। दुआ में याद रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।